नमस्कार, चुनाव मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चाहे भारत की राजनीति हो या फिर राजस्थान की राजनीति हो, जातिगत समीकरण चुनावों में एक अहम किरदार निभाता है और यही वजह है कि आज हम इस चुनाव मंच के जरिए समझने की कोशिश करेंगे जो राजस्थान में भाजपा के परंपरागत वोट बैंक है राजपूत, क्या वो वसुंधरा राजे से नाराज हैं? और इस वाद विवाद में तीन बेहद खास नेता हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें राजपूत नेता लोकेंद्र कालवी जी का। कांग्रेस से सत्येंद्र राघव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जोरदार तालियां राघव जी के लिए। और साथ ही बीजेपी से ओंकार सिंह लखावत जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। और चूंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए हमेशा की तरह मैं सबसे पहला सवाल बीजेपी से ये जानना चाहूंगी। राजस्थान में ये कहा जा रहा है ओंकार जी कि वसुंधरा राजे जाटों का साथ देती हैं और वो राजपूतों को भूल जाती हैं, जबकि वो राजपूतों की बेटी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, राजपूत नाराज होगा तो कांग्रेस से होगा जिन्होंने 70 साल में उनको सामंत के गाली दी। इसमें से वो करेंगे उनसे नाराज होंगे जिन्होंने इस बात के लिए आज तक 1857 की आजादी की लड़ाई में राजपूतों का राजस्थान में योगदान रहा, उनको जाकर के कहीं पर भी 5 पैसे भी उनको स्मरण के रूप में खड़ा नहीं किया। 47 के आसपास और उसके बाद वालों को लाकर के पेंशन देकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ये वसुंधरा राजे है जिसने सबसे पहले 1857 का एक स्मारक बना करके खड़ा कर दिया। मैं राजपूत समाज की बात आप छोड़िए, राणा सांगा को लाकर के खानवा के मैदान में जाकर के खड़ा करने का काम किया, तो किसी कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर के बरकतुल्ला तक, हीरा लाल जी से लेकर अशोक गहलोत तक आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मेवाड़ के सुन लीजिए, मैं बात राजपूत की करते हो और मेवाड़ का संस्थापक बप्पा रावल, वो बप्पा रावल 1300 साल बाद अगर किसी ने आकर के एक आस्था के साथ खड़ा किया बप्पा रावल को, तो वसुंधरा राजे ने किया। स्मारक बन गए राजपूत, क्यों नाराज हैं? इतने स्मारक बन गए, ओंकार जी ने इतने स्मारक गिनवा दिए, क्यों नाराज है, कितना नाराज है, इसका थर्मामीटर मेरे पास नहीं है। मेरी तो एक बहुत छोटी सी संस्था है राजपूत करनी सेना, और कुछ हल्ला ज्यादा था इस पद्मावत वाले मामले में, जैसा ओंकार सिंह साहब फरमा रहे थे कि बप्पा रावल से लेकर अभी रानी पद्मावत वाले मामले तक किसने क्या किया, मैं इसकी विवेचना नहीं करूंगा, पर वो स्वाभिमान का संघर्ष जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक 14 मुख्यमंत्रियों के पत्र हैं मेरे पास पद्मावत वाले मामले में, 14 मुख्यमंत्रियों के चपरासी भी नहीं मिलते, पर समाज की ताकत थी, राजपूत नहीं सारे सामाजिक संगठनों की ताकत थी जिसने 14-14 मुख्यमंत्रियों को मजबूर किया, पर सिर्फ 6 राज्यों में यह रुकी और पूरे देश में हम नहीं रोक पाए। कारण केंद्रीय नेतृत्व में शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, और इसीलिए जब हम इस बारे में बात करते हैं कि राजपूत कितना नाराज है, आनंद पाल वाले मामले में सारे केस विड्रॉ कर दिए, उसमें ओंकार सिंह जी लखावत की भूमिका भी है, एक मुकदमा 24 नामजद प्लस 12,000, छोटा नहीं है, जो बिना समझौते के सीबीआई को भेज दिया गया है। इस चुनाव के बाद में अगर हम रिजल्ट ला देंगे तो वो विड्रॉ होगा। एट्रोसिटीज वाले मामले में, अभी राम मंदिर वाले मामले में हम सुनते थे 26 साल से कोर्ट में बंद है ये काम, एट्रोसिटीज वाला मामला क्या कोर्ट के अंदर नहीं था, क्या कहीं सड़क पर पड़ा मिल गया, जिस पर तो फैसला होता है पर राम मंदिर पर नहीं होता है, क्यों? इस सवाल का जवाब राम क्षत्रिय थे, मैं छोटा नहीं करना चाहता, भगवान थे वो, मैं उनको क्षत्रिय बनाकर छोटा नहीं करना चाहूंगा। योगी जी से पूछा था भी मैंने, 5 दिन पहले मैं अयोध्या गया था 14 तारीख, ठीक है, और उनसे एक सवाल किया था, योगी जी क्या आप बता पाएंगे, अभी संतों की मीटिंग में आपने कहा था थोड़ा रुको, क्या आप बता पाएंगे कि कोई तारीख है? चलिए राम मंदिर से हम वापस राजस्थान में आते हैं, और मेरे कांग्रेस से ये सवाल है, आप जरा ये समझाएं राघव जी कि राजपूत किसके साथ हैं? वो 12% वोट बैंक जो है, जिस पर भाजपा की भी नजर है, जिस पर कांग्रेस की भी नजर है, अगर वो भाजपा से नाराज है तो क्या वो कांग्रेस के साथ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद का मोहरा नहीं बना के खेलती है।
लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट था जो राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत के कारण, राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मेरे आदरणीय मित्र कह रहे थे कि हमने इतनी प्रतिमाएं लगा दी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस भारतीय जनता पार्टी को भैरव सिंह जी ने पाला पोसा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक प्रतिमा लगाने का प्रयास किया है 10 साल में? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी याद रखी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने भैरव सिंह जी के नाम से यहां कोई गोष्ठी या सम्मेलन करने की आवश्यकता समझी? कि आप इसके पीछे जाइए। राजस्थान में जब वसुंधरा जी प्रथम बार यहां राजस्थान आई तो उन्होंने इस राजस्थान में जहर फैलाया जातिवाद का। मैं राजपूत की बेटी हूं, जाट की बहू, यादव की बहन हूं, गुजर की समधन। उससे पहले राजस्थान में जातिवाद पर कभी चुनाव हुआ ही नहीं। 2002 से पहले कभी जातिवाद के ऊपर चुनाव राजस्थान में कभी नहीं होता था। कांग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, इनके ऊपर चुनाव होता था। आप आए, आते ही आपने भाई भाई से लड़वाना चालू किया। जाट राजपूत लड़ने लगे, यादव गुजर लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय भैरव सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री भी बनाया। वो भैरव सिंह जी की देन थी, आपने क्या बनाया? उनके दम पे बीजेपी आई है। आपने बात कही मैडम, आपके यहाँ आपने क्या बनाया? मैंने आपको पहले भी कहा भैरव सिंह जी की वजह से बीजेपी राजस्थान में। मेरा ये कहना, टीवी चैनल पर जरा मर्यादा, आपने कहा मैंने सुना और ये सब देख रहे हैं कि कौन, मैं नहीं बोला, आप बोले तो मैं बीच में नहीं बोला, आप बोले तो नहीं बोले। हालांकि आपने तो बोलने वालों को आपातकाल में जेल में भी डाल दिया था। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी तो परंपरा रही है इस तरह की। मेरा ये कहना है कि भैरव सिंह जी को इस पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री और भारत का उपराष्ट्रपति बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने यह उनको सम्मान देने का काम किया। यह पहली पार्टी है जिसने भैरव सिंह जी के नाम पर वेलफेयर स्कीम चलाई। आज तक कोई भी नहीं चला पाया। भैरव सिंह जी के नाम पर अंत्योदय स्कीम चली, उसके बाद भैरव सिंह जी के नाम के ऊपर हमने ग्रामीण विकास के नाम पर स्कीम चलाई। इसलिए भैरव सिंह जी के सम्मान के बारे में इनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो एक गौरव का विषय है और वो हम सबके लिए एक आदर्श का विषय है। मैंने कालवी साहब ने एक बात कही थी आनंद पाल के संबंधित मुकदमों की। मैं आज आपके मार्फत एक बात कहना चाहता हूं कि एक समझौते के तहत 3 केसेस के बारे में सीबीआई को भेजने की बात हुई थी। वो दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित में है, पर एक जिस एफआईआर का अभी कालवी साहब उल्लेख कर रहे हैं, मैं आज आपको इतनी बात कह रहे हैं कि हमने इनसे ये कहा कि आपने कहा कि सरकार के पुलिस में भरोसा नहीं है इसलिए उसको सीबीआई में भेजा। आप कृपया इतना सा बता दीजिए कि आपको राजस्थान पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करानी है। राजस्थान सरकार आज अनुशंसा करके उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार थी। अभी पिछले दिनों कम से कम 20 बार बुला करके उन लोगों से बातचीत की और हम इस स्टैंड के ऊपर कायम है। गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर आपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनने दिया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में तो अमित शाह की पसंद वो भी थे। आपके पास सूची थी क्या कि वो बनने वाले थे अध्यक्ष? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं। अमित शाह ने आपको लिख करके भेजा तो हमको बता दीजिए। जवाब आप देंगे, सवाल मेरा जवाब आप देंगे। आप मीडिया वाले बता दीजिए कि आपके पास कहीं ऐसी न्यूज है कि अमित शाह जी ने आपको कहा कि मैं इनको अध्यक्ष बनाऊं? ऐसे सबूत मुझे क्षमा कीजिएगा, ये केवल आपका भ्रम है। आप लड़ाने के लिए मोटिवेटेड, मुझे क्षमा कीजिए मैम, सुन लीजिए। आप अपने आप की बात में भी सुनते हो। मेरा ये कहना है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने खुद ने ये बात कह दी, ना उनको अपॉइंट किया गया था इसलिए उनके नाम पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर आपको बता देता हूं, पहली बार 2 राजपूत राज्यवर्धन सिंह जी और हमारे गजेंद्र सिंह जी भारत सरकार के अंदर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आप बाकी को क्यों नहीं किया? आज विधायक की बात करते हैं। हमने विधायक के नाते विधायक के नाते हमने टिकट ज्यादा दिए। इन्होंने हमसे बराबर टिकट देंगे, देख लेते हैं। राजपूत समाज को हमने बोलिया टिकट दिए। राघव जी को बोलते थे मैं कालवी जी आपके पास आऊंगी। राघव जी रोका किसने? देखिए मैं बताऊं, पहले तो 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गलत तथ्यों पर बहस कर रहे हैं। इनसे पहले आज राजवर्धन सिंह जी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के आप जितेंद्र सिंह जी और राजकुमारी जोधपुर जो है उन चंद्रेश कुमारी जी, दोनों केंद्रीय मंत्री रहे राजस्थान। राजस्थान से राष्ट्रपति हमने भेजी, वो यहां रहे, गवर्नर रहे, पहले केंद्रीय मंत्री थे। आप जब बात कर रहे हैं कांग्रेस की और बीजेपी की तुलना कर रहे हैं राजपूतों की, आपने भैरव सिंह जी का एक सामान्य चीज करके हमने भैरव सिंह जी को बनाया ये कह के इन्होंने खत्म कर दिया। अब दूसरे पे आइए, आप एक और संस्थापक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम है जसवंत सिंह जी जसोल, केंद्रीय मंत्री रहे, कभी सेकेंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी मानवेंद्र सिंह जी को? क्योंकि उनको घुटन पैदा हो रही थी। उनका बयान था, मेरा बयान नहीं, मानवेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी में मेरे को घुटन पैदा हो रही। आपने गजेंद्र सिंह जी की बात कही शेखावत, गजेंद्र सिंह जी के खुद के बयान, इनके
अमित शाह जी के बयान, इनके प्रभारी के बयान है कि अभी हमारा फैसला नहीं हुआ। 74 दिन तक एयर रहता, एयर में रहा। राघव जी इतना मत पूछिए, सूची मांगेंगे। मेरा सवाल अब आपसे है कालवी जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्मारक बना दिए, उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जो हो सकती थी वो उन्होंने कोशिश की, जो हो ही नहीं सकता वो कर नहीं सकते। सब कुछ वो राजपूत समाज के लिए कर रहे हैं। आपको भ्रम हो गया है कालवी जी, आपको भ्रम हो गया है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत वाले मामले पर ही बात करूं, लखावत साहब के पास में हो सकता है सबूत नहीं हो, मेरे पास है कि गजेंद्र सिंह शेखावत बकायदा 48 दिन तक अध्यक्ष बना हुआ घूम रहा था, और चौथे दिन का भी मेरे पास है और 42वें दिन का भी मेरे पास है। रही भैरव सिंह जी शेखावत की बात, अंतिम दिनों में वसुंधरा जी के बारे में क्या सोच था, मेरे ख्याल से लखावत जी को भी शर्म होगी और शायद कांग्रेस वाले के कहने का अधिकार नहीं है। खैर, ये तो उनके भांजे ही हैं, उनके बुआ के बेटे ही हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या भैरव सिंह जी का सोच था वसुंधरा जी के बारे में, भैरव सिंह जी चले गए इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा, क्या सोच था इस सरकार के बारे में जसवंत सिंह जी का, अब क्योंकि वो बीमार ज्यादा हैं, मृत्यु सैया पर है, मैं उनके बारे में भी नहीं करूंगा। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि 100 साल तक उनको उम्र और दे, वो ठीक होकर वापस आए सबके बीच में। क्या हुआ मानवेंद्र सिंह का, मैं परसों था वहां झालावाड़ में, मेरा दुर्भाग्य होगा या समाज का दुर्भाग्य अगर 500 से ज्यादा वोट वसुंधरा जी को राजपूत के अगर मिल सकते हो, 500 से ज्यादा वोट, वहां 20-22 हजार वोट है, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, 500 से ज्यादा वोट अगर मिल जाएंगे मैं मानूंगा कि मुझे ये राजपूत नेता का तगमा जो इंडिया टीवी वालों ने दिया है गलत दे दिया है। राघव जी, मानवेंद्र जी के साथ तो आपने भी खेल कर दिया, खेल ऐसे कर दिया कि वो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते थे, आपने उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वा दिया। मानवेंद्र सिंह जी ने कभी कोई शर्त नहीं रखी और न वो सांसद का चुनाव रखना चाहते। हम जी आगे जब सांसद का होगा जब उस पर विचार क्या होगा, लेकिन विधानसभा में बहुत छोटे छोटे रिएक्शन क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस क्या किसी हर जाति का वोट लेना चाहती है, सभी समाज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में राजपूत समाज क्या सोचता है वो आपके सामने उनकी बातें आगे समाज के प्रतिनिधि। ठीक है, 500 से ज्यादा वोट नहीं, आप क्या बोलेंगे, कितने कितने वोट आपको मिलेंगे? मेरा इतना सा कहना है, बहुत छोटे में, क्योंकि मुझे कार्यक्रम समाप्त करना है। जी, जितना कहा है उतना तो उत्तर दूंगा ना जी। इन्होंने एक बात ये कही कि भैरव सिंह जी शेखावत की राय क्या थी। भैरव सिंह जी शेखावत की राय उपराष्ट्रपति बनने के बाद और जब यहाँ केंद्रीय नेता कौन मुख्यमंत्री बने, माननीय वसुंधरा जी को आशीर्वाद दिया और ला करके यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपने क्या किया ये बताओ, 12% वोट में कितने वोट? राघव जी, अगर ये मर्यादा नहीं रखोगे तो फिर कांग्रेस की दुर्गति अभी होगी, 6% बचे होते हैं। आप अपनी सोचो, हमारे तो देख रहे हैं, आप अपनी दुर्गति सोचो। 7 दिसंबर को क्या होने वाली, 11 दिसंबर को? मेरा इतना कहना है आपसे, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने आरोप लगवाए तो सुनना भी पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है आपने सुने? मेरा इतना कहना है, बात कही मानवेंद्र सिंह जसवंत सिंह जी को जब टिकट दे दिए, सांसद बना दिया और दोनों बनाकर 35 साल तक राज्यसभा और लोकसभा में भेजा, जब तो भाजपा बहुत अच्छी थी, जब जिन्ना के ऊपर किताब लिखने के लिए बैठ गए तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया, माफी मांग करके वापस आ गए, ये वही है। पीर फगारा का फतवा लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हो, पार्टी से बगावत करेंगे, पार्टी ने बाहर निकाल दिया, पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस का चेहरा इतना ही है, मैं आपको आपके टीवी से कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी में टिकट जिसको न मिले, जिसके बाप को न मिले, वो इनका चेहरा है। अरे कहा महात्मा गांधी होते थे, कहा मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे, पटेल हुआ करते थे, ये चेहरा है इनका। मोदी करने से कोई फर्क, मोदी लहर गई, आप 5-10 साल कर लो, मोदी का कुछ नहीं बचा राजस्थान में, मोदी का कुछ नहीं होना इस राजस्थान में, गांव मोदी आओ, बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी कुछ नहीं कर सकता।